नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे लोकसभा चुनाव के छठे चरण में किन सीटों पर मतदान के लिए शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा की पंजीकरण की विंडो कब होगी बंद, टीजीटी शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़े किस नियम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, और अंत में बात करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में क्लास 1 और 2 से क्यों हटाया गया संस्कृत विषय। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। देश भर में 2 चरणों में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तो वहीं अब 29 अप्रैल से छठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट और गैसरी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 29 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती सहित अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होना है। संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के लिए 800 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण विंडो खोल रखी है, जो कि बहुत जल्द बंद होने वाली है। लिहाजा आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार तुरंत आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर दे। यूपीएससी CMS आवेदन सुधार विंडो 1 से 7 मई तक खोली जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में 827 चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने टीजीटी शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के यात्रियों को अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट पर वह 2014 और 2019 में भारी जीत हासिल कर चुके हैं। उन्हें लगातार तीसरी बार लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। नामांकन के मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने लगातार तीसरी बार अमेठी लोकसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हजारों की भीड़ के साथ रोड शो करते हुए सांसद का काफिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में 2 सीटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके पति जुबिन ईरानी समेत कई अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। पर्यटकों की सुविधा के लिए खजुराहो वाराणसी विमान सेवा फिर से शुरू हो रही है। विमानन कंपनी ने इसका विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है। खजुराहो के लिए इंडिगो की फ्लाइट 27 अक्टूबर से उड़ान भरेगी। 1 घंटे में ही वाराणसी से खजुराहो का सफर तय होगा। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार इंडिगो ने वाराणसी खजुराहो के बीच सीधी विमान सेवा का विंटर शेड्यूल जारी किया है। विमान संख्या 6E2361 बाबतपुर से दोपहर 12:55 पर उड़ान भरेगा और दोपहर 2 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेगा। यही विमान 6E2232 बनकर खजुराहो से दोपहर 2:30 उड़ान भरकर दोपहर 3:25 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा। सूबे में सर्वाधिक आदिवासी आबादी वाली रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट के मतदाता मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक हो रहे हैं। साल दर साल चुनाव में उनकी सहभागिता बढ़ रही है। पिछले 72 वर्षों में मतदान प्रतिशत में 22% का इजाफा हुआ। इस बार भीषण गर्मी और प्रतिकूल मौसम के बावजूद मतदाताओं की फर्स्ट डिवीजन पास होने की पुरजोर कोशिश रहेगी। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट भले ही 1962 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई, लेकिन यहाँ के मतदाता 1951 के पहले चुनाव से ही सांसद चुनते आ रहे हैं। तब ये सीट मिर्जापुर का हिस्सा हुआ करती थी। आजमगढ़, मिर्जापुर और वाराणसी मंडल के 10 जिले में 26,890 HIV संक्रमित मिले हैं। इनमें 50% की उम्र 20 से 45 वर्ष के बीच है। 40 लोग ऐसे हैं जो टैटू बनवाने के बाद संक्रमित हो गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक टैटू बनवाने वाले गलत सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस सुई से टैटू बनता है उसके प्रति सुई की कीमत 1200 रुपये होती है। इसके बावजूद चौक चौराहों पर 200 रुपये में टैटू बना दिया जा रहा है। HIV संक्रमण के मामले में आजमगढ़ जिला पहले पायदान पर है। ART सेंटर में सबसे ज्यादा संक्रमित तो पंजीकृत है। मऊ और सोनभद्र में 1-1 लोग संक्रमित मिले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह 3 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। महानिदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार और भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदन के बाद हुई है।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कक्षा 1 और 2 से संस्कृत विषय को हटा दिया गया है। अब संस्कृत की पढ़ाई कक्षा 3 से होगी। कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए नई किताबें तैयार कर दी गई हैं। किताबों की छपाई का काम चल रहा है। अगले महीने तक किताबें बच्चों को मुहैया करा दी जाएंगी। बता दें कि नई किताबों को उत्तर प्रदेश के परिवेश के अनुसार बदला गया है। अब हिंदी, अंग्रेजी और गणित यानी कि मैथ समेत कुल 3 किताबें हो गई हैं, जबकि संस्कृत को हटा दिया गया है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।